Hey guys, what is up? This is your very own Gaurav Yadav और आज फिर से मेरे साथ अक्षय AKA Solvari. Solvari नहीं रहा ना? नहीं. Hey, I am Akshay. Hey, I am Akshay. और आज हम आ चुके हैं एक जंगल में. I'm so sorry. Park. पार्क ही है बट कूड़ा ऐसा फैला हुआ है ना, ये जंगल जैसा, जंगल से बदतर दिख रहा है. कोई नहीं, सही नहीं रखते. सो द रीज़न, जिम्स यूपी में क्लोज्ड है और स्टेट्स का मुझे आइडिया नहीं, लेकिन हमारे एरिया में क्लोज्ड है. लेकिन अब क्या करें, फिटनेस मेंटेन रखनी है. ठीक है भाई, अब देखो जिम वाला मजा तो नहीं आने वाला, लेकिन भाई जब शरीर हिलता नहीं है ना, पूरा दिन खाली खाली जाता, तो कुछ ना कुछ तो मेरे को करना है. कीप गोइंग, मतलब नेवर स्टॉप वाला एटीट्यूड मेरा माइंडसेट बना रहता है. भाई का भी बना रहता है, तो सुबह सुबह मैसेज आता है कि भाई जॉगिंग पे चलना है कि नहीं चलना है. कितने बजे आता है? 5 बजे आता है, बट हम 7 बजे जाते हैं, बट ठंड को मद्देनजर रखते हो. एटलीस्ट वी आर गोइंग. ठीक है, सो द थिंग इज, आज हमारा पूरा वर्कआउट सेशन ये रहने वाला है. ये बार डिप्स, पुल अप्स, कैलिस्थेनिक्स, मतलब फुल बॉडी करेंगे. बट धीरे धीरे आप लोग को व्लॉग में देखने को मिल जाएगा, और आप पूरा एरिया चेकआउट मारो एक बार. दिस इज द फुल एरिया. ये मतलब पार्क है, हमारे घर के जस्ट पास ही है. लोहिया पार्क नाम है इसका. काफ़ी अच्छा पार्क है, काफ़ी बड़ा है. यहाँ पे मतलब टोटल ये जो रेंज है, ये पार्क 2 किलोमीटर का ट्रैक है पूरा. इस पर रनिंग जॉगिंग भी करी थी हमने मंडे को, बट उसका व्लॉग नहीं आया. मंडे का व्लॉग बाद में आ जाएगा, है कि नहीं? चलो लेट्स स्टार्ट वर्कआउट. गुड स्ट्रेच लीड्स टू गुड वर्कआउट. इस चीज को अगर आप जिम में करोगे ना, जिम में ऑक्सीजन लेवल अलग है, रूम टेम्परेचर है. exactly. ये असली टेस्ट ओपन में ही होता है ना, सफोकेशन नहीं होती आपको ना. और अभी दिमाग में ये भी है कि जिम्स बंद है ना, सो एवरीवन इज ट्राइंग टू गेट फिट जी एज सून एज पॉसिबल. वो जो उन्होंने गेन भी किया है ना, वो अपने आप को शेप में रखना चाहते हैं. जैसे एटलीस्ट फॉर मी, मेरे लिए तो एक्सरसाइज है, मेरे को शेप नहीं रखनी, मेरे को एक्सरसाइज करनी है, वो वर्क नहीं. मेरे लिए ऐसा है कि मैं अगर वहाँ पे 100% था ना, तो मैं यहाँ तक 80% तक तो एटलीस्ट रहूँ. करेक्ट, ताकि मेरे को 20% जिम जाने का लॉस ना हो ना. 20% जो बचा ना, वो कम बैक में रहे. करेक्ट, फटाफट उसको मैं एक हफ्ते में. चलो ब्रेक स्टार्ट करो. अरे अच्छा है ना, वहाँ पे खेलने में मजा आता है. आओ कहाँ पे, ये जो ऊपर है. आओ All the activities has been done. Squats, सूर्य नमस्कार कर लिए. Bicep tricep का ये सोचा, pull-ups वाले बार पे चलते हैं. वहाँ पे bar dips मार लेंगे, तो chest tricep दोनों का कम हो जाएगा, और biceps के pull-up मार लेंगे. उसके बाद अपना workout खत्म. उसके बाद थोड़ी सी treat देंगे अपने आप को बाहर. ठीक है, चाय और मट्ठी. चलो let's go. Now the t-shirts are on. It's going to be crazy.
stop like this, gonna rock the party, not stop like this, gonna rock the party, not stop like this, yeah, we rock the party, not stop like this, rock the party, not stop like this, gonna rock the party, not stop like this, gonna rock the party, not stop like this, yeah, we rock the party, not stop like this. Come on and just rock. होल वर्कआउट हैज बीन डन. अक्षय भाई बिहाइंड द कैमरा, दोनों का वर्कआउट बहुत तगड़ा हो गया. पंप बहुत अच्छा था. तो अब पार्क से निकलते हैं. बहुत मजा आया, लिटरली बता रहा हूँ. इतने दिनों बाद उछल कूद करने को मिला है यहाँ पे. अब से ऐसा डेली देखने को मिलेगा. सिर्फ जिम ही ऑप्शन नहीं है, और भी चीज़ें हैं. बट हाँ देखो, जिम बंद है, उस चीज़ का दुख तो मेरे को भी हो रहा है. प्रॉपर मसल ट्रेन नहीं हो पा रही. लेकिन ये अपनी जगह ठीक है, जिम अपनी जगह ठीक है. तो इससे बढ़िया हम चलते हैं अपनी जगह. सो वर्कआउट हैज़ बीन कम्प्लीटली डन, प्रोसीडिंग टुवर्ड्स दी चाय की टपरी. क्योंकि ठंड में चाय बहुत जरूरी है. ठंड तो है, और ऐसे वर्कआउट के बाद तो भाई रिवॉर्ड करना बनता है कि नहीं बनता. लेकिन नहीं, चलो चाय पीते हैं, बाहर चलते हैं, फिर डिटेल्स देते हैं. हाँ भाई जी. अच्छा स्ट्रेट अवे, ये बताओ ये एक्सरसाइज जो हमने करी है जिम का रिजल्ट देंगी? अलग है. अलग है ना, बिल्कुल. बट कम से कम फिटनेस लेवल तो मेंटेन करके रखेगी ना. फिटनेस लेवल मेंटेन करने के लिए बहुत सही था. नो इक्विपमेंट नीडेड एक्सेप्ट सम बार्स. ठीक है, बॉडी वेट पूरा बार बॉडी वेट था सर. बार्स तो पार्क में अवेलेबल होता ही होता है. मतलब मिनिमल मिनिमल का जीरो कॉस्ट. अब क्या कर सकते हैं, देखो जिम्स बंद है. ठीक है, या तो दो ऑप्शन है, या तो ये मान के बैठ जाओ कि जिम बंद है और जिम के अलावा कोई एक्सरसाइज नहीं होती, या तो फिर अपने आप को फिट रख लो. मेरे को दूसरा ऑप्शन ज़्यादा पसंद है. और मैं भाई मेरी तो आदत ही है नई नई चीज़ें ट्राई करते रहने का. कभी रनिंग, कभी जॉगिंग, कभी साइकिलिंग, कभी योगा. स्विमिंग अभी कर नहीं सकते, ठंड बहुत है. है कि नहीं, हीटर पूल यहाँ पे है नहीं. तो अभी चाय का इंतजार हो रहा है. यू नो इट्स ऑल अबाउट नेवर स्टॉप इट. ठीक है, कम से कम आप जिम जाएंगे थोड़ा एक अच्छा लेवल मेंटेन रहेगा. ठीक है, कार्डियो ना मोटिवेशन भी रहती है कि नहीं यार फिट रहना है. और क्या, ठीक है. और ठंड का मजा लो रहती है, वो अच्छा रहता है. एनर्जेटिक फील हो रहा है नेचर में एक्सरसाइज करके. स्टार्टिंग में फील होता है कि ऑक्सीजन और वो सब थोड़ा कम आ रहा है, क्योंकि जिम में जो है अलग लेवल होता है, रूम टेम्परेचर होता है. लेकिन ये अनदर लेवल, अलग फील है ये, जो सिर्फ आप फील कर सकते हो. मतलब एक्सप्रेस नहीं करी जा सकती ये चीज़, है कि नहीं. अब जो हमने वर्कआउट दिखाया, थोड़ा बहुत सिनेमैटिक था, थोड़ा बहुत डिटेल्ड नहीं था. ठीक है, तो आप इस वर्कआउट का सेट्स अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग बॉडी टाइप के हिसाब से लगा सकते हो. ठीक है, इतना कोई स्ट्रिक्ट कॉम्प्लिकेशन नहीं है. दो दो सेट कर लिए, एक एक सेट कर लिए, बहुत है. बेसिक फंडा ये है कि जितना क्रिएटिविटी लाओगे या जितनी इंटेंसिटी बढ़ाओगे अपने बेसिस पे, ठीक है, उतना ही फिट रहोगे. और क्या. और बाय द वे, मैं जो एक्सरसाइज में शुरुआत हुई थी पार्क में रनिंग करने से शुरू हुई थी. रनिंग और यही पुलअप, मेरी का भी अपना अलग मजा है. कोशिश मेरी ये रहेगी कि हर दिन ऐसा ऐसा वर्कआउट मैं शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी मोटिवेटेड रहो, आप लोग को भी एक आइडिया लग जाए और मेरा भी काम बनता जाए. तो है कि नहीं. बॉडी वेट में ना आप ज्यादा वेरिएशन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत में क्या होता है कि बहुत बेसिक मूवमेंट्स होती हैं आपकी जो ऑलरेडी करते आए हैं. इसमें आप कुछ इनोवेट बहुत ज्यादा नहीं कर सकते. हाँ, अगर आपको इनोवेशन चाहिए, ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाओ, रेस्ट पीरियड कम करो. और इसके साथ अगर एक चीज़ है कार्डियो एक्सेलरेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं. या तो जैसे कि सपोज कि मैंने एक सेट किया, ठीक है, उसके बीच में मैं रेस्ट नहीं ले रहा, इंस्टेंट कार्डियो कर रहा हूँ. उसमें चाहे रनिंग हो गई, हाई नीज हो गए, जो भी आपको फील हो कि भाई इंस्टेंट कार्डियो हो सकता है आपका, वो करो. शॉर्ट एंड सिंपल, एनी सॉर्ट ऑफ मूवमेंट इज कंसिडर्ड एज एक्सरसाइज. एक्सरसाइज और एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है. एक्सरसाइज सिर्फ जिम में जाके ये नहीं होती है, और भी चीज़ें होती है. बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डर जो है उनकी केस अलग है. उनका स्पोर्ट ही वो है, स्पोर्ट है. ठीक है, बट नॉर्मल लोगों की बात अलग है. ठीक है, याद देखो भाई, जिम्स बंद है, नेशन वाइड है. मेरे को लग रहा है इंडिया में पूरे बंद हो चुके हैं ऑलमोस्ट हर जगह. कुछ कुछ जगह है जैसे मुंबई में शायद अभी खुले हुए हैं, और भी जगह हैं जहाँ पे खुले हुए हैं. देखो रेस्टोरेंट भी खुले हैं,
ठेके भी खुले हैं मगर सिर्फ जिम्स बंद है, लेकिन पार्क भी खुला है। पार्क भी खुला है, पार्क भी खुला है, पार्क भी खुला है ठेके। मैं कुछ और कहने की वो कर रहा था बट आपने उसमें फिट इंडिया का वो डाल दिया, बट कोई नहीं ठीक है। और वो हमें नहीं पता कोई भी रीजन हो सकता जिम बंद है तो क्या हो गया। अपने आप को बहाना दो या तो अपने आप को बोलो भाई चलो पार्क चलते हैं, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, स्किल पे काम करते हैं, ज्यादा सर क्या एक तरीके का डिटॉक्स हो जाएगा, लाइट एक्सरसाइज और प्लस आपको चाय का मजा है कि नहीं। बिल्कुल, वरना जिम तो ऑब्वियसली स्ट्रिक्ट करते हैं लोग है कि नहीं। इसी के साथ अब हम अपनी चाय का मजा लेंगे प्राइवेटली ठीक है। अगर आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया हो तो गिव दिस वीडियो लाइक, नए हो तो सब्सक्राइब, तब तक के लिए आपका कर्म होगी चाय पिएगा और घर जाएगा, और कोशिश करेगा कि हर दिन ऐसी एक्सरसाइज की वीडियोस आती रहे ठीक है। चलो सर ऐसे बनेगी बॉडी, जवाब क्या है जवाब दो सर, फायदा था कुछ वर्कआउट का, फिटनेस अपनी जगह ठीक है, मजा अपनी होना चाहिए।